नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शर्मा। आइए आज मेरे किचन में हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार चटनी, और इस चटनी का नाम मैंने रखा है चटनी टकाटक। जी हां दोस्तों, ये वायरल चटनी है, इन दिनों बहुत पॉपुलर है, जिसमें मैंने अपना अंदाज थोड़ा सा मिक्स किया है टमाटर और गार्लिक की, यानी कि टमाटर और लहसुन की। बहुत ही बढ़िया चटनी है, तुरंत बन जाती है और सब्जी भी इसके आगे फेल होती है। तो आइए बहुत ही अलग अंदाज में आज बनाते हैं ये खास चटनी, टकाटक चटनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जबरदस्त वायरल चटनी टकाटक बनाने के लिए मैंने 3 लाल टमाटर लिए। कोशिश कीजिए कि टमाटर अच्छे से पके हुए हों। 3 टमाटर के साथ साथ मैंने 10-12 लहसुन की कलियां ली हैं और 2 हरी मिर्ची। आप मिर्ची कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए इनको कट कर लेते हैं और गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हीट को मीडियम कर दूंगा और मीडियम हीट में इसके ऊपर डाल दूंगा मैं ये लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को हमें बहुत प्यार से भूनना है। आप चाहें तो लहसुन की कलियों को अलग किसी पैन या कढ़ाई में भून सकते हैं, मगर मैं इसी पैन पे सारी चटनी बनाऊंगा और देखिएगा कितनी मज़ेदार बनेगी। तो दोस्तों, कलियां थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं, अच्छे से सीख गई हैं, बड़ा स्मोकी फ्लेवर आ गया है, और आँच को कम करते हुए अब मैं यहाँ पर डालूंगा ये कट किए हुए टमाटर। मैंने टमाटर को 2 भागों में बीच से काट लिया था, और इस तरह से देखिए हम टमाटर को इस पैन में भुनने के लिए रख देंगे। और ये देखिए दोस्तों, एक टमाटर को यहाँ बीच में रख देता हूँ, बस इसे ढक दीजिए और बहुत आराम से 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच में पकने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, टमाटर थोड़े से ऊपर से सॉफ्ट होने लग गए हैं। लहसुन की कलियों को भी थोड़ा हिला डुला लीजिए ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाएं। थोड़ा सा तेल भी मैं ऊपर से डाल देता हूँ। टमाटर हमारे लहसुन को जलने नहीं देंगे, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, बस इसे ढक के फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए। थोड़े से देखिए टमाटर ऊपर से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। जब ये टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इस स्किन को निकालने वाले हैं, इसलिए टमाटर को आगे पीछे थोड़ा सा करके सेट कर लीजिए ताकि सारे टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। एक बार इसे और ढक दीजिए और आराम से 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर की जो इसकी स्किन है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बड़े प्यार से अब हम इस स्किन को निकाल देंगे। आप चाहें तो गैस बंद करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने आंच को बिल्कुल कम कर दिया है और स्किन हाथ से ही निकाल रहा हूँ, पर सावधानी ज़रूर रखिएगा। और आप देख सकते हैं एक टमाटर ये उल्टा हो गया है और बहुत अच्छे से टमाटर सीख गया है। तो बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे सावधानी के साथ सारी मैंने टमाटर की स्किन को इस तरह से देखिए निकाल दिया है। टमाटर की स्किन को निकालने के बाद इसे दूसरी तरफ से भी पलट के हम थोड़ी देर के लिए और सेंक लेंगे कम आंच पे, ताकि जो पिछला साइड है वो भी थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और ये देखिए टमाटर का कलर कितना बढ़िया आया, कितने अच्छे से हमारे टमाटर सीख गए हैं। इस स्टेज पे आप गैस बंद करके इसे किसी और बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मिक्सर में दरदरा पीस के चटनी बना सकते हैं, मगर मैं सारा प्रोसेस इसी पैन में करने वाला हूँ और लैडल से हल्के हल्के इसे मैश करूंगा। जोर से बिल्कुल ना करें, वरना टमाटर का जो जूस है वो आपके कपड़े ख़राब कर सकता है, आपके किचन को ख़राब कर सकता है। तो बड़े प्यार से इसे हमें हल्के हल्के कूटना है। आप ये प्रोसेस चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, मगर इसी में मैं करूंगा तो इसका एक अलग स्वाद आएगा। और जब थोड़ा सा ये कूट जाए ना, तब बहुत आराम से फिर इसे कूटिए और आवाज़ आएगी टकाटक की, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है चटनी टकाटक। तो आइए जरा टकाटक की आवाज़ एक बार आप भी सुन लीजिए। याद रखिए दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल भी मैशी नहीं बनाना, थोड़े से चंक्स लहसुन और टमाटर के आएंगे तो खाने का मज़ा आएगा, इसलिए हमने इसे मिक्सर में नहीं पीसा है। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे दरदरा पीस के आसानी से ये बना सकते हैं। तो हमारी चटनी टकाटक अच्छे से घुट गई है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 रफली चॉप किया हुआ प्याज, साथ में हरी मिर्ची, जीरा पाउडर, और इसमें डालूंगा मैं स्वाद के अनुसार थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला
और थोड़ा सा सेंधा नमक चटपटेपन के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, पर नमक कम डालिए क्योंकि आपने सेंधा नमक भी डाला है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल डाल रहा हूँ। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं तो आप तेल मत डालिए, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो कच्चा तेल डालने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे और फिर से आवाज आएगी टकाटक टकाटक टकाटक। जी हाँ दोस्तों, हमारी चटनी बन के तैयार है। श्रद्धा के अनुसार डालेंगे यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और इसमें फिर डालेंगे नींबू का रस, जो कि टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको खटास ज़्यादा चाहिए तो आप नींबू का रस डालिए या स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, टमाटर और लहसुन की स्मोकी टेस्ट वाली चटनी टकाटक बन के तैयार है। इसे प्लेट में सर्व कीजिए। आप इसे फ्रिज में रख के भी इसका 3-4 दिन तक आनंद ले सकते हैं। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सफर में लेके जाइए, पर फटाफट बनने वाली ये चटनी ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं तो चला चटनी का आनंद लेने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।